वॉइस मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में जहां किसानों और सरकार की आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, वहीं इसी बीच एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने एक बड़ा बयान दिया है। झुंझुनू में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन का इतना लंबा चलना किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए, कोई बोला तक नहीं, ये मेरी आत्मा को दर्द देता है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जो हल ना हो सके, बहुत दूरी नहीं है, मामला निपट सकता है। मलिक ने कहा कि MSP ही मुद्दा है, यदि MSP को लीगलाइज कर देंगे तो आसानी से यह मुद्दा हल हो जाएगा। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का काम पूरा हो गया है। एक और जहां प्रदेश में नया CM बनने के बाद कई असंतुष्टों को मंत्री बनाया गया है, वहीं अब CM ने इसी बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। खास बात यह है कि नए CM तीरथ सिंह रावत ने इस बंटवारे में खनन, वित्त और गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास ही रखा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा करते हुए सभी 11 मंत्रियों को उनका काम बांटा है। हालांकि बतौर CM में वित्त, गृह, खनन, चिकित्सा, शिक्षा, राजस्व, नागरिक उड्डयन, लोक निर्माण, न्याय और चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे विभाग संभालेंगे। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में CM ही वित्त मंत्री होगा, PWD मंत्री होगा और वही गृह मंत्री भी होगा। वहीं इसके अलावा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य सतपाल महाराज को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन, संस्कृति विभाग दिए गए हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को मंत्री बनाने के बाद संसदीय कार्य, शहरी विकास, आवास और IT विभाग दिए गए हैं। राजस्थान में मंगलवार को जबरदस्त हंगामा बने रहने के बाद फोन टैपिंग मामले में गतिरोध खत्म हुआ। दरअसल दिन भर फोन टैप मामले में BJP विधायकों ने सदन में बैठकर धरना दिया और विरोध जताया, साथ ही रात में भी विधानसभा में रहने का ऐलान कर दिया। इसके चलते BJP नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और BJP प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने स्पीकर CP जोशी से उनके कमरे में बातचीत की, लिहाजा स्पीकर ने इस मुद्दे पर उन्हें चर्चा कराने का आश्वासन दिया। मिली जानकारी के अनुसार स्पीकर ने आश्वासन के बाद कहा कि बुधवार को इस विषय पर चर्चा हुई। इससे पहले CM गहलोत ने मंगलवार शाम ट्वीट कर भी BJP को जवाब दिया है। CM गहलोत ने BJP पर पलटवार करते हुए BJP को इसका आपसी झगड़ा और वर्चस्व की लड़ाई करा दिया है। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण देश में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते सत्ता पक्ष विपक्ष के निशाने हैं। लोगों के बीच पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की बात भी चल रही है। पेट्रोल डीजल व LPG गैस के बढ़े दामों के चलते चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस के साथियों ने पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर शाही फेंक प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार से पेट्रोल डीजल व LPG गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एसोसिएशन के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा उद्योग के निजीकरण के प्रयासों का विरोध करते रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 में अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी का चालू वित्त वर्ष में पूर्ण निजीकरण किया जाएगा। इसके कारण 4 PSGI कंपनियों के कर्मचारी और अधिकारी निराश हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमने सरकार की स्कीम को जनता तक पहुंचाने में सहायता की है, जिससे आम जनता सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठा सके, लेकिन फिर भी सरकार हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। इसलिए राष्ट्र और उसके लोगों के हित में हम भारत सरकार की 4 सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के प्रस्तावित निजीकरण और विदेशी पूंजी निवेश बढ़ोतरी की निंदा करते हैं और इन्हें अविलंब वापस लेने की तथा वेतन पुनरीक्षण व पेंशन लाभ में सुधार को तुरंत लागू करने की मांग करते हैं। प्रतापगढ़ में नगर परिषद की बैठक को लेकर आहूत की गई पहली बैठक हंगामेदार रही, जहां भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें बाद में कांग्रेस के पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हंगामा केवल इसलिए हुआ क्योंकि सभापति ने आवारा पशुओं से मुक्त करने का संकल्प लिया है। साथ ही आपको बता दें कि विधायक और सभापति के बीच कई दिनों से चल रही तनातनी अब सुर्खियों में है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि विधायक के दबाव में नगर परिषद आयुक्त सभापति के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सभापति को काम नहीं करने दे रहे हैं। धरियावत के साथ पूरे विश्व में COVID-19 महामारी से आम जनता परेशान है, जिससे बचाने के लिए लगातार सरकारें और वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, साथ ही सरकार लोगों को इसके प्रति जागरूक करने में भी लगी हुई है। धरियावत में टीका लगवाने की कमी को देखते हुए अब राशन डीलर भी सरकार का साथ दे रहे हैं। इसके लिए राशन डीलर राशन लेने आने वाले सभी व्यक्तियों को वैक्सीन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द पीपल वॉइस।